इस साल कुछ इलाकों में बर्फबारी अभी तक पिछले साल की निस्बत कम हुई है या लेट हो रही है। बर्फबारी देखने वाले टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद इस रेट में है कि कब ये वादियाँ बर्फ की चादर ओढ़ें और हम लोग वहाँ पहुँचें। अगर बात करें शोगरा की तो नथिया गली की निस्बत यहाँ पहले बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ जाने के लिए 30 मिनट की जीप का सफ़र दरकार होता है। बर्फबारी में टूरिज्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा रश मरी और नथिया गली की लोकेशंस पर होता है, क्योंकि यहाँ जाना कदरे आसान है, रोड कंडीशंस अच्छी हैं और फैसिलिटीज़ भी बेहतर हैं और यहाँ लोकेशंस भी ज़्यादा हैं। विंटर ट्रैवल पसंद करने वालों के लिए आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान की फेमस डेस्टिनेशन को देखेंगे और मुख्तसरन जानेंगे कि सर्दियों में ये इलाके कैसे लगते हैं और यहाँ जाना कैसा है। सारी बर्फ बनी हुई है, इंजन में भी यही हाल है। वो कह रहे हैं बहुत ठंडा इंजन है इस वक्त, उसको स्टार्ट करना जो है ना वो गलत होगा। अभी बिल्कुल जमी हुई है, नीचे बर्फ नहीं आई अभी वैली में, लेकिन सामने आपने देख लिया ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, हमने इनके ऊपर जाना है। बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह के नाम से खैर से जाए, खैर से आए और साथ से।
देख रहे हैं। ये हैं जी वर्ल्ड्स बेस्ट पराठे, चेक करें। ये मेरे वन ऑफ फेवरेट पराठे हैं और मैं जब भी आता हूँ यहाँ से ही खाता हूँ।
हाँ जी ये हिदायत लिखी हुई है, वीडियो को स्लो करके पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से दो ट्रैक स्टार्ट होते हैं बेसिकली, एक लालादार ट्रैक और दूसरा मुश्कपुरी ट्रैक। जिस होटल से हमने नाश्ता किया उसके बिल्कुल सामने से ये ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। नाश्ते के फौरन बाद ही हमने ट्रैक का निज़ाम स्टार्ट कर दिया। मुझे
करूंगा। ठीक हो गया, सही है। अभी तकरीबन 20 मिनट गुजरे हैं और हमने 1 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। फिक्स में हूँ, ध्यान से जाना। ध्यान से तू भी। नाश्ता हमने बालाकोट से करने का प्लान किया था। चलो हां।
ओ ये क्या है? अब देख रहे हैं ये लोग जंगल से लकड़ियां लेके आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इसको जलाने के लिए घर में इस्तेमाल भी करेंगे और नीचे ला के मुकामी लोगों को बेचेंगे भी। ये बोन फायर की जगह है जी। ओहो वाह जी वाह, ये मंजी बेस्ट है। Thank you.
मालम जब्बा से 12 किलोमीटर पहले बर्फबारी का निज़ाम तेज़ हो गया तो मुझे अपनी गाड़ी पार करके 3000 रुपये की प्राइवेट गाड़ी कराना पड़ी। मैं बर्फ में गाड़ी चलाने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। गाड़ी रोक दी है। अच्छे तरीके से पार्क नहीं करते, सिंगल लेन चलती है, आने वालों का भी मसला है, तो इस चीज़ को भी मेक श्योर करें। और यहाँ पे देखिए इन्होंने गोले पकड़े हैं, जम गया जूस लगता है मुझे। लाइन 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 लाइन, वाह 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 वाह, अच्छा जबरदस्त। वाप खाओ। अच्छा, ये भाई अभी गोले बना बना के दे रहे थे, ये आपके अपने बच्चे हैं? जी जी, आपके बच्चे। ठीक है, तो इसे गला वगैरह खराब तो नहीं होगा उनका? नहीं, गला खराब नहीं होगा। तो आपने तो पूरी तैयारी रखी हुई है, बोतल रखी हुई है। हाँ, तैयारी करके आए। चलो ट्रैफिक ब्लॉक में कुछ पठान डिजिटल मंचले मिले। भाई तो डांस भी बड़ा अच्छा करते हैं। ले जी, काम पै गया जिदा खतरा सी। गाड़ी का जो 5 किलोमीटर का सफ़र रह गया और जो बर्फ़ पड़ी थी उसके बाद हवा चली है बड़ी तेज़, और ये जो आप फर्श देख रहे हैं ये बन गया क्रिस्टल का। एक शीशा था, जम गया सड़क पे ऊपर, और गाड़ियां ऐसी कुछ स्किड कर रही हैं ना कि कलमे पढ़ा रही है। और फौरन से पहले ये जो मजीद साहब हैं इन्होंने फैसला किया है कि रिस्क ना लिया जाए और गाड़ी को चेन लगा दी जाए। चेन के साथ आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। और यहाँ पर कुछ जांबाज ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो कोई गल नहीं, देखा जाएगा। तो अब माशाल्लाह वो बैठे हैं साइड पे। तो आपको अपनी जो ट्रैवल होता है, अपना जो ट्रिप होता है, उसमें सिक्योरिटी मेजर्स को लाजमी रखना चाहिए, है ना भाई? क्या ख्याल है आपका? ये देखिए जी, यहाँ पे चाय चल रही है मौसम की मुनासिबत से। गाड़ी के टायरों को चेन से आरास्ता करने के बाद हम लोग दोबारा बजाने में मंजिल हुए। सफर क्योंकि बुलंदी की जानिब है तो बर्फ की सफेद चादर हर तरफ नजर आने लगी है।
सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत सफ़र है, आइए ज़रा चेक करें। Somalia. ये कुछ ब्रदर्स मुझे मिले हैं सोमालिया से आए हुए हैं और यहाँ पे ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये तो वहाँ पे गर्मी में रहते हैं। There's no winter in the Somalia. Yeah, yeah, yeah. Oh, okay, no, we are ready. Yeah, it's no winter in Somalia. They have some snow in there. Not too much. Not too much. It's not too much. It's not normal. So you are enjoying it? Yes, we enjoy it here. Or where do you live? Where do you live in Pakistan? Yeah, in Islamabad. Okay. Do you like Pakistan? I like it. Okay. Stay tuned. Keep on trip. Mera 50-50 Somalia Pakistan. Zinda bad. 50-50 भाई कह रहे हैं 50-50 50% पाकिस्तान 50% सोमालिया पाकिस्तान जिंदाबाद।